बच्ची का उसकी शॉप पे ये लिया हुआ था, दुकान का नाम खराब करने पे लगे हुए वीडियो बना रही हूँ मैं। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब? आज मैंने ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर का 2 बज रहा है। पहले तो आप ये सब देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और अभी तो स्टेज पर सो रहा है तो अभी ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी और देखते कि आज क्या करने वाले हैं। और जैन को सपोर्ट कीजिए, यही सोच रही थी, क्योंकि जैन को सपोर्ट कर रही है तो जैन को सपोर्ट कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ाइए मुझे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलते हैं दोपहर का 2 बजे का वीडियो जो है उसके बाद थोड़ी साफ सफाई देंगे तो आपको मैं थोड़ा बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊंगी, अगर पॉसिबल हो पाए, वरना फिर मैं सफाई में अगर होंगी तो फिर ब्लॉग पता नहीं मिल रहा है, तो मैं बना दूँगी, कोशिश करूँगी पूरी बना लूँगी। मम्मी बाबू को सुना रही हूँ, पापा जी कहीं काम से गए हुए हैं, तो चलिए चलते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या करने वाले हैं। तो आज है 29 सितंबर थर्सडे और एक दिन और 10 सितंबर है, फिर क्या अब अगला सितंबर आएगा 2023 में, 2022 का सितंबर तो आएगा नहीं, तो बिल्कुल मिला के जो हर एक दिन को हर एक दिन को जैसे तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। 5 और मैं अब दिखाने जा रही हूँ मैंने क्या बनाई है। आप पकौड़ी का साइज देख सकते हैं, ये पकौड़ी बनाई मैंने श्रेष्ठ रोरा श्रेष्ठ के लिए बनाई है, बट खाएगा नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि पनीर पकौड़ी खिलाई क्योंकि कुछ खाता नहीं है। देखिए गिरा भी ली इसने पकौड़ी अपनी ही सब नीचे, तो क्या खाने जा रहे हो आप? वाह पापा, देखिए आपने ऐसी पकौड़ी कभी देखी लाइफ में? गले से नीचे भी नहीं जाएंगी। ये 10 ग्राम पनीर की पकौड़ी बनी हुई है, तो श्रेष्ठ अब पनीर पकौड़ी खाने जा रहा है। चलिए श्रेष्ठ खा देता है पनीर पकौड़ी। श्रेष्ठ के लिए पकौड़ी थोड़ी सी और पनीर लेके आए थे, मैंने लगाया था बाबा से, तो पनीर कुछ स्मेल से कर रहा है, लाइक रखा हुआ है 2-3 दिन का, मैं भी बासा हो गया होगा, तो मैं जाती हूँ चेंज करके। अभी हो गया शाम का 5:15, 200 देख रहा हूँ, तो जाके पनीर चेंज कर जाती हूँ और सही पनीर दिख जाती हूँ और देखते हैं और क्या लेना है। निकालते हैं हाया भूसा, मेरी हाया भूसा वेरी एक्टिव है, आप सबको दिख नहीं रहा होगा, आप दिखेगा आप सबको। सो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ जागरण का प्रोग्राम चल रहा है, उसका झांकियाँ वगैरह कर रही हूँ, तो ये सब हमारा नहीं है, ये सब मतलब किराए का होता ना, वो आया हुआ था, तो यहाँ पर रेडी होता है सब। और मेरी स्कूटी की हालत बहुत बुरी कर दी है, उसके ही सामान रखते हैं सारा कुछ, तो चलिए अब पहले थोड़ा कम था तो सोचा पेट्रोल भरवा लेती हूँ, तो अब पेट्रोल भर जाएगा, फुल टंकी करने को कहा है मैंने भैया से, कितना हुआ 212 रुपये, 213 रुपये। ढक्कन भैया थोड़ा टाइट बंद कर दीजिएगा, फुल हो गया ना, ठीक है ठीक है। तो भरा ही लिया था मैंने पेट्रोल, भरा के सोचा कि हवा भरवा लूँ, एक बार हवा चेक करा लेती हूँ, तो बस ये पेट्रोल पम्प है और ये हवा भरती है, तो हवा चेक करा लेते हैं स्कूटी में कितनी है, कम ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि हवा कम हो जाती है और ध्यान नहीं दे पाती है, तो हवा पहले करवा लेते हैं स्कूटी में, इतनी गर्मी लग रही है इसलिए मैं बार बार हेलमेट इतने पर पहले पहले करती हूँ। हवा भर रहे हैं अंकल, देखते हैं कितनी हवा होनी चाहिए और कितनी है, तो हवा चेक की अंकल ने 35 होनी चाहिए, 35 की 35 है पूरी, अब आगे वाले में देख लीजिए, तो अब आगे वाले में हवा चेक करें अंकल, तो आगे देख लेते हैं कितनी है, थोड़ा बैक करो, ओके हो गया, इसमें कम है ना, तो 21 है और 35 होनी चाहिए, तो इसमें भर रहे हैं अंकल हवा पूरी, ट्यूबलेस में भी मतलब हवा होनी चाहिए प्रॉपर, हाँ ये ट्यूबलेस आ रहे हैं ना आजकल, इसमें क्या होता है पंचर होने के बाद आप हवा भरवा के जा सकते हो, चली जाती है, दिक्कत नहीं करती, तो हवा इसमें हो चुकी है, अब मैं ऐसे चलती हूँ, पास में ही PAC बाईपास पड़ता है, यहाँ रोड पर ही हमारा घर, अब यहाँ से चलना है सीधे लेफ्ट हैंड पे और स्वीट हाउस आ जाएगा। थैंक यू अंकल, स्वीट हाउस की शॉप से यहीं से ही पनीर लिया हुआ था। और चाचा कहाँ गए भैया? ये चाचा जी हैं जिन्होंने हमें ख़राब पनीर दिया हुआ था, दुकान का नाम खराब करने पर लगे हुए, वीडियो बना रही हूँ मैं, तो दुकान तो अच्छी है लेकिन चाचा की गलती, चाचा देखते नहीं है, बाकी माँ के नाम की दुकान है, मेरी फेवरेट शॉप है PAC मोड़ में, यहाँ के समोसे और चीज़ें, तो देखिए भैया ये पनीर दिया था चाचा जी ने,
तो ये बेसी मोड पे हूँ मैं, और बस अब भैया पनीर चेंज करने गए हैं, वो मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था पनीर, तो पनीर चेंज होके मुझे मिल जाएगा। कर दिया पार्टी एक पार्ले का क्रीम वाला बिस्किट ले लिया है भैया, मैगी दे दीजिएगा 2 से 3 पीस। पनीर बदल दिया चाचा जी ने, आखिर पनीर बदल दिया है, और यही होती है अपनों की दुकान की पहचान, अपनी दुकान पे आप आइए चीज़ें बदल लीजिए, बाकी जगह तो कोई बदलता नहीं है जल्दी से। हाँ किसी को नहीं बता रहे, ब्लॉग बना रही हूँ तो देखिए चाचा जी पूछ रहे किसको बताई हो, तो इतने ज़्यादा मोमोज लिए मैंने, अब टेस्ट बरकरार रहे और पेट भी ना खराब हो। देखिए चाचा कह रहे हैं मेन यही है, देखिए दुकान पे अपना पन, मैं यहाँ आती हूँ मज़ा आ जाता है मुझे, तो यहाँ पे आती हूँ मैं अब। अच्छा आपका नाम अंकित वाजपेयी है, ये सही है भाई, अब आपका नाम मैंने ध्यान से सुना, आप सोचिए आपने क्यों कहा होगा। ये है मेन कारीगर, ये मोमोज बनाते, ये मोमोज बनाते, बताशे बनाते, और दुकान का सबसे सीधा अच्छा बंदा अब देश एकदम अपने काम पे लगाया था। तो चलिए पनीर ले लिया, बिस्किट ले लिया, भैया मैगी दे दो 2-3। देखिए चीज़ें मांगने पर भी नहीं मिल पाती जल्दी, तो 3 दे दीजिए मैगी बिस्किट, और भैया टोस्ट के पैकेट दे दीजिए एक, और टोस्ट के पैकेट कौन से देंगे वो दीजिएगा, ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अब 3 नहीं नहीं बस 3 ही, जितने लोग हैं उतनी चीज़ें हैं। ये आपका टोस्ट हो गया, मैगी हो गया, बिस्किट हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया, और क्या ले लूँ, और क्या ले लूँ, कंफ्यूज हूँ। हाँ एक ब्रेड के पैकेट दे दीजिए, छोटा वाला ही दीजिएगा, ब्रेड एकदम बेकार हो जाता है, एक ही 2 खा पाते हैं, बाकी फेंकना पड़ता है, तुम्हें पता है वो खाया नहीं जाता मेरे से, बेकार लगने लगता है। ये मैं 5-5, 10-10 वाले ले लेती हूँ, जो मर्जी हुआ वो निकाल के खा लिया अकॉर्डिंग टू मूड, तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज अंकल भी नहीं दिख रहे, अंकल जी को मैं ब्लॉग में लेके आती। 10 वाला एक क्रैक जेक दे दीजिए, और भैया फिर से एक पन्नी में पहले मुझे ऐसे ही सामान दिया था, फिर थोड़ी बड़ी की, अब मैं सामान बढ़ाती जा रही हूँ, तब फिर से बड़ी पन्नी लेके आएंगे। देखिएगा बिस्किट टूटा ना हो, एक मुनै को भी दे दीजिए। तो आज मैं एकदम पूरी ऐसे खरीदारी कर ले रही हूँ बहुत सारा, और मैं बहुत ज़्यादा मोमोज लिए, ये पहले मैं मोमोज खा लेती हूँ, देखा ऐसे मेरी सेहत ख़राब ना हो, इससे मैंने 3 मोमोज लिए, तो कोई वीडियो देखी कहेगा नहीं कि ज़्यादा मोमोज खाए। पहली बार आपके भैया इस टीम मोमोज मिला है, पूरा बनने में टाइम लग जाता है, 5 मिनट लग जाता है। मैंने बहुत सारा सामान, अब मैं चलती हूँ घर की ओर। अरे स्कूटी में ले खाती हूँ मैं, आलू रखा है, मुझे लगा मेरी स्कूटी में आलू कैसे आ गया, मैं तो ऐसे लेके आई थी, वो ब्लैक है मेरी ब्लू है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, तो चलिए अब चलते हैं घर। देखिए मैं लेके आई हूँ, ऐसे चिल्ला रहा पैकेट देख के, आओ आओ इधर आओ, हाँ इधर हो, क्या चाहिए क्या चाहिए बताओ, हाँ क्या लोगे, हाँ क्या लोगे, अरे वाह खाना है, एक पैकेट ले लीजिए बाकी वापस रख दीजिए। श्रेष्ठ इधर देखिए क्या लाइए माँ आपके लिए, ये लाइए पापा, इनको एक पैकेट खोल के दे दीजिएगा, बाकी रख देंगे। तो पापा पनीर चेंज हो गया फाइनली, हाँ नहीं मैंने बोला तो कह रहे हैं कि वो पनीर पानी चेंज करते रहते, उनका प्यार देख लीजिए मेरे प्रति। मैंने बाबू को कुरकुरे और पॉपकॉर्न और चिप्स ला के दिया, बाबू और खिलाओगे, और खिलाओगे, खिला दीजिए आखिर, तो देख रहे कितना प्यार करता है मुझसे, मैंने सब ला के दिया है तो मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे खिला रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आधा खा के तब मुझे दे रहा है, खिला के देख लीजिए खिलाइए। मेरे को आधा खा के तब दे रहा है, ठीक है माँ वीडियो बना लो या और आधा आधा खा लेते, तो हाँ पाप कर लिया रहा है जागरण, और श्रेष्ठ को देखिए टिफिन के अंदर कटोरी, कटोरी में बिस्किट। श्रेष्ठ क्या खा रहे हो,
वाह, ओरियो लेने गई थी मैं इस रेस के लिए, सारे सामान है बट ओरियो नहीं मिला। हाँ ओरियो जल्दी खा लीजिए, फिनिश कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। इधर नाइफ में नहीं रखते, इसमें मम्मा रखेगी सब्जी। तो अभी शाम का बज रहा है 6:30, मैं आई बाहर से सोचा नहीं नाइफ में नहीं खेल, तो अब मैं ये बंद करेगी, थोड़ा सा काट लेती हूँ और मैं खाऊंगी बंद करेगी की सब्जी और पूरी। तो बंद करेगी काट लेते हैं विद इन सेकेंड मिनटा तक हम सेकेंड विच, ठीक है चलो चलो देर से नहीं करते। करेली कट के हो चुकी है रेडी, मैंने काट दिया फटाफट से बंद करेली, और नवरात्रि चल रहे हैं तो प्याज नहीं पड़ेगा, ऐसे ही बनेगा। और बाहर अभी बहुत तेज म्यूजिक आने वाला, कॉपीराइट ना लगे इसलिए मैं फटाफट वीडियो एंड कर रही हूँ। और जागरण के जो भी कलाकार आएंगे उनकी आज मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप सब देखिएगा। बनके हुई तैयार, ये देखिए आप, बहुत अच्छी लगती है इसे बंद करेली कहते हैं। तो जैसा ही मैंने कहा था, मैं पूड़ी और बंद करेली की सब्जी खाऊंगी, और ये मेरी फेवरेट सलाद जो कि अच्छी लगती है। आपको पूड़ी खानी है, सब कुछ खाना लेके जाते हो निकाल देते। तो आज का ब्लॉग यही करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया हो, आपको ब्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को प्यार दीजिए। चलिए मैं अब ये पूड़ी और सब्जी खा लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड कीप सपोर्टिंग।